नमस्कार, ट्रेन एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 अगस्त को सीआरएस निरीक्षण के बाद शहबाज नगर से शाहजहांपुर के बीच जो हो गया सफलतापूर्वक, हम आपको एक व्यू छोटा सा काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से दिखा रहे हैं शाहजहांपुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाते हुए, जहाँ से आप ढकाताल की साइड के जो ये ट्रैक्स हैं आप देख सकते हैं। ये वीडियो भेजा है मोहम्मद फैज़ान ने। और जैसा आप सब जानते हैं कि अब सीआरएस निरीक्षण हो गया है, तो अब इज्जत नगर मंडल की पूरी कोशिश होगी कि पीलीभीत जंक्शन से शाहजहांपुर तक जो रेलगाड़ियों का संचालन है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। अब देखना होगा कि कौन सी तारीख को उद्घाटन होता है, किस डेट को रेलगाड़ियों का संचालन शुरू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैक्स में पेंट किया गया था कॉन्क्रीट स्लीपर्स में, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। सारे पुल सामने जिधर टर्मिनेटिंग लाइन है, ब्रिज किस प्रकार से सब पेंट यहाँ पर किए गए। और अब जिस प्रकार से मेगा ब्लॉक में कार्य हुआ था, तो रेलगाड़ियाँ वापस अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मूव करने लगी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए कैंची से डाउन लाइन में ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बढ़ रही है। और ढकाताल के पास मेरा बस यही सुझाव था कि एक रिटेनिंग वॉल भविष्य में ज़रूर बनानी चाहिए, ताकि कभी भी बारिश में जो ट्रैक्स हैं उनको नुकसान ना हो, मिट्टी यहाँ पर कभी ना कटे। तो इसके लिए रिटेनिंग वॉल आप दोनों तरफ ज़रूर दीजिए, जिससे कि ट्रैक्स हमेशा सेफ रहें। और एक छोटा सा व्यू चलती हुई काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस स्पेशल से, धीरे धीरे शाहजहांपुर की तरफ बढ़ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। यहाँ से आप पूरा एक छोटा सा व्यू आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मेन लाइन है उस पर ट्रैक पैकिंग मशीन ने कार्य किया था, जिससे कि सीआरएस स्पेशल ट्रेन शहबाज नगर से यहाँ शाहजहांपुर एनआर साइट उत्तर रेलवे की तरफ आई और शाहजहांपुर जंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर पावर केबिन के पास सिग्नल्स सब जल रहे हैं और अब बहुत जल्द सबसे पहले मालगाड़ी का संचालन किया जाएगा, जिसके बाद फिर इस रूट पर जो भी डेट आती है उद्घाटन की, इनॉग्रल स्पेशल की, हम आप तक ज़रूर उसकी अपडेट देने की कोशिश करेंगे। और अब इसके बाद सारा फोकस इज्जत नगर मंडल का मैलानी से लेकर के जो शागढ़ के बीच कार्य हुए उस तरफ होगा, और सितंबर तक वहाँ भी हम उम्मीद करते हैं कि कार्यों को पूरा करा करके सीआरएस करा के फिर रेलगाड़ियों का संचालन सितंबर के महीने तक शुरू हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि एनआर वाले जब तक ये कार्य कर लेंगे। ये देखिए किस प्रकार से जो नए पॉइंट कैची बनाई गई थी उसके ऊपर से ट्रेन काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। आगे ये ठोकर लाइन आ जाएगी फिर, और इसमें ये पीलीभीत से आने वाला ट्रैक यहाँ पर देखिए मिल रहा है, इसी को हम आपको दिखाना चाह रहे थे।